सो गाइस, जैसे जैसे आईपीएल पास आ रहा है वैसे वैसे आईपीएल की टीमों की धड़कनें बढ़ रही हैं। कुछ टीमों के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन हैं और कुछ टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी आज एक टीम के बारे में बात करने वाले हैं हम, जिसका नाम है आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान के रजवाड़ों के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें आपको दोनों बताने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। और मेन फोकस करेंगे क्या रहेगी आरआर टीम की आईपीएल 2023 के स्टार्टिंग मैचेस से आरआर की फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मैच की हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, ना कि प्रॉपर प्लेइंग 11 की, मतलब कि प्लेयर अवेलेबल भी होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से खेलने भी चाहिए। तो फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 की बात आज की वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। अंत में आकर अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, इंजरी अपडेट भी आपको साथ के साथ देते जाएंगे। तो प्लेइंग 11 की शुरुआत करते हैं। आरआर टीम के लिए जो प्रीवियस ईयर का सक्सेस था वो थे उनके ओपनर्स, और इस टाइम भी आपको ओपनर्स के तौर पर जॉस बटलर नो डाउट फुल एंड फिट फाइन है, आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उनके साथ ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल जो कि अभी फुल एंड फिट हैं, आपको ये ओपनिंग जोड़ी दिखने वाली है। नंबर 3 की बात करें, नो डाउट इनके कप्तान फुली फिट हो चुके हैं और रेडी हैं आईपीएल में धमाल मचाने के लिए, अपना कमबैक टीम इंडिया में करने के लिए। नंबर 3 पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे संजू सैमसंग। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 पर आपको देवदत्त पाडिकल को यह टीम खिलाते हुए दिखेगी। खिलाना तो ये जो रूट को चाहेगी लेकिन खिला नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ 4 फॉरेन प्लेयर रूल, तो पांचवा कहां से खिलाओगे। तो अगर नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 पर इनके पास रहेंगे शिमरन हेटमैन जो कि इनकी फिनिशिंग की कमान आपको संभालते हुए दिखेंगे। इन्हीं का साथ देंगे दोस्तों नंबर 6 पर रियान पराग जो कि बॉलिंग से कमाल मचा रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं बल्ले से, तो इनके क्या कहें, जो कि इन्होंने डोमेस्टिक में करके दिखाया, बार बार करके दिखाया। अब नंबर 7 की बात अगर हम करें तो फिनिशिंग टचेस आपको देते हुए दिख जाएंगे हमारे जेसन होल्डर जो कि अब डेथ बॉलिंग की कमान भी आपको संभालते हुए दिखेंगे बिकॉज ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा पूरे टूर्नामेंट से आईपीएल के रूल आउट हो चुके हैं, उनकी रिप्लेसमेंट जल्दी आपको घोषित होते हुए भी दिख जाएगी। इसके बाद अगर बात करें नंबर 8 की, नंबर 8 पर आपको रविचंद्र अश्विन खेलते हुए दिख जाएंगे। अब यहां पर इनकी बैटिंग डेप्थ काफी मजबूत नजर आती है, काफी डेप्थ है इनकी बैटिंग में। इस बार हम यह चीज नहीं कह सकते कि इनके पास शॉर्ट प्लेयर हैं जैसे कि लास्ट ईयर थे। जेसन होल्डर के आ जाने से एक बैलेंस टीम में आता है और रवि अश्विन को फिर बार बार नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर जाकर अपने आप को फोर्सली पुश नहीं करना होगा। इसके बाद अगर नंबर 9 की बात करें, नंबर 9 पर आपको दिख जाएंगे यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा तो रहेंगे रूल आउट, इनकी जगह आपको देखेंगे कुलदीप सैन या फिर नवदीप सैनी, दोनों में से किसी एक प्लेयर को यह टीम खिलाते हुए नजर आ जाएगी। अगर बात करें नंबर 10 की, नंबर 10 पर आपको देखेंगे युजवेंद्र चहल, नंबर 11 पर ट्रेंट बोल्ट आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। यहां पर यह टीम खिलाना तो एडम जंपा को भी चाहेगी लेकिन 4 फॉरेन प्लेयर रूल जो है इनके समक्ष आ जाएगा। अगर बात करें हम एक्सपेक्टर की, कौन सा होगा इनका 12th मैन जो कि आपको अंदर बाहर होता हुआ दिखेगा वो इंडियन प्लेयर, तो वो उस इंडियन प्लेयर के तौर पर यह टीम एक बॉलर को इंक्लूड करेगी जो कि मे भी हो सकते हैं लास्ट में जाकर मुर्गन अश्विन या फिर नवदीप सैनी, कुलदीप सैन जो खेलेगा उसके बाद जो रह जाएगा वो प्लेयर आपको 12th मैन के तौर पर दिख जाएगा। यस, टीम की प्लेइंग 11 रह सकती है 12th मैन के साथ। कैसे लगी आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए परफेक्ट प्लेइंग 11 फर्स्ट मैच की जहां पर हर प्लेयर अवेलेबल हो, अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।